कनाडा का बॉर्डर है, ये अमेरिका का बॉर्डर है। US का $4, कनाडा का $5.50। Hi guys, Rohan Vardhi here. Welcome to my channel. अभी मैं आया हूँ Niagara Falls में। मैं explore करने वाला हूँ Niagara Falls और साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ कि Niagara Falls कैसा होता है। मैं पहले भी आया हूँ Niagara Falls, इस बार मैं specially आया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि Niagara Falls यहाँ अमेरिका के साइड में कैसा दिखता है। और मेरे साथ है यहाँ पर रेशमा। हेलो। और आई है हमारी मिस पल्लवी राणे। हेलो। तो यहाँ पर क्यों रुके अभी? Niagara Falls में क्यों नहीं उड़ा सकते? क्योंकि बॉर्डर है इसलिए? नहीं नहीं, फाल्कन है इसलिए? नहीं, बॉर्डर है ना, बॉर्डर में नहीं उड़ा सकते। तो रेशमा बोल रही ड्रोन क्यों नहीं उड़ा सकते यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है। और अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं पता करने के लिए कि चॉपर हेलीकॉप्टर राइड हम लोग को लेनी है, तो मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो लेडी गई है अंदर नंबर लेने के लिए, जो यहाँ पर चॉपर राइड सर्विस है वहाँ के लिए। मैं कभी बैठा नहीं हूँ चॉपर में, मेरा फर्स्ट टाइम होगा चॉपर पे बैठना, और साथ ही साथ मैं वीडियो भी बना लूँगा। परमिशन लेनी पड़ेगी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मोस्टली वो लोग परमिशन देते नहीं फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए उन लोग को, मतलब उन लोग के पास ही आदमी रहते हैं जो कि अपने हिसाब से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। बट मैं उनको बोल के देखूँगा कि ऐसा ऐसा मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर वो लोग परमिशन देंगे तो जाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं राइड लेके आ जाऊँगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि यहाँ पर चॉपर राइड का क्या हिसाब किताब है। वहाँ सामने इन्फॉर्मेशन सेंटर लग रहा है। Hi, you like a chopper ride? Yeah, so they start tomorrow at 9 a.m. and they're 108 per rider. Holds up to 4 of you guys per flight. It's a 15-minute flight over the waterfalls. They're located right around the corner. Are you guys going to be here tomorrow? No, only today. Okay. Hi guys, if you guys need tickets, Made of the Mist, we have those for today. Made of the Mist, Cave of the Winds. You all ride? तो ये बोल रहे हैं कि कल के लिए चॉपर राइड, आज के लिए नहीं है। तो आज क्या करेंगे? Is there any other way that we can get like an air tour? Is there any other? Suni nahi. Isko sun nahi nahi hai. Public aa raha hai na wahan. Haan. Mereko chopper ride mein baithna hai yaar, kuch bhi ho jaye. Wo chodo. Yahan par aise aapko cart bhi mil jayenge khane peene wale. Aur ye inka ticket and information center hai. Inka nahi hai, Niagara Falls ka nahi hai, matlab bahar wale logo ka hai. Wo kya discovery? Idhar aao ek minute. कोरोना से तो नहीं, मास्क से जरूर मर जाऊंगी मैं। अरे गिरा क्यों रही है मास्क? मास्क के बिना जाने नहीं देंगे तुझे। ओह गॉड, इतना गर्म हो रहा है, ये क्या है? तो यहाँ तक तो आ गए हम लोग चॉपर राइड, बट वहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी वी आर क्लोज्ड, हेलीकॉप्टर राइड टू संडे ही है सिर्फ चॉपर राइड। अच्छा, चॉपर राइड करना था यार, कोई बात नहीं, तो रुकेंगे तो कल सवेरे आ सकते हैं सुबह के इसमें। वो देखो टोल है, US का $4, कनाडा का $5.50। आई होप आप लोग को दिख रहा है, बट वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, गाड़ियाँ तो अलाउड ही नहीं है वहाँ पर, लिखा भी हुआ पेडेस्ट्रियन भी अलाउड नहीं है, मतलब इंसान भी जा नहीं सकते। तो चलो यहाँ से, इससे पहले वो लोग आएँ और वीज़ा मांगे, कनाडा का वीज़ा दिखाओ जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास US का वीज़ा ही है। तो हम लोग दोनों गए थे पता करने के लिए चॉपर राइड का, चॉपर राइड का तो कुछ बंदोबस्त हुआ नहीं। कल सुबह 9 बजे की चॉपर राइड मिलेगी जो कि अराउंड $109 के करीब बोल रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट आज हम लोग को चाहिए था जो कि आज के लिए हम लोग को मिली नहीं है, कल तक हम लोग वेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी एक दिन के होटल के पैसे हम लोगों ने दे दिए, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर सकता मैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आज घूमेंगे मेड ऑफ द मिस में, पल्लवी ऑलरेडी लाइन में खड़ी है, तो मेड ऑफ द मिस में जाएंगे, वहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। पहले भी गए मैं, मुझे तो पता है क्या सिचुएशन है वहाँ पर, और उसके बाद हम लोग फिर बाकी का दिन हम लोग कैसे गुजारेंगे। आप लोग तो साथ में हो, कंटिन्यू वॉचिंग, ओके प्लीज़ देखते रहिएगा ब्लॉग को आगे तक। अरे ये रही पल्ली, अकेली खड़ी है, कुछ जा, इतनी लंबी टांगे हैं, चल ले आई विल ट्राई। तो है लाइन तो अच्छी खासी है, मतलब पहले जितनी नहीं है, जितनी पहली होती थी उतनी नहीं है,
कम से कम एक घंटे तक हम लोग को लाइन में खड़ा रहना पड़ता, बट अब भी नहीं लगता कि एक घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। अभी 15-20 मिनट में ये लाइन खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है लाइन का एंड। कितने का टिकट है? अरे मुझे तो लगा था कि छोटी लाइन होगी, यहाँ से खत्म होगी, बट ये तो लाइन ही बहुत लंबी है अभी और भी। अरे क्या किया, गिरने वाला था मेरा रेबन का चश्मा, पर चश्मे में स्क्रैच आया क्या? देखो नहीं, रेबन ऐसा चीज है, स्क्रैच ही नहीं आते कभी, आता नहीं है पक्का, कभी नहीं आता। दिल को दिलासा दे रही है। नहीं सीरियसली देख, यहाँ आ गया है स्क्रैच ऑलरेडी, आ गया, दिख रहा मेरे को, दिख गया। हाय गाइस, मेरा नाम रोहन विधि है, अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ और ऐसे लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स, अभी तो मैं ये ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ और आज का जो ब्लॉग है वो मैं पूरा आपको नायग्रा फॉल दर्शन कराऊंगा। ये साइड है अमेरिका और वो साइड है कनाडा, वहाँ पर बॉर्डर है और यहाँ पर भी बॉर्डर है, वो कनाडा का बॉर्डर है, ये अमेरिका का बॉर्डर है। यहाँ काउंट करके लेके जा रहे हैं जितने भी लोग हैं ना। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग आए हैं 4-5 माला नीचे और यहाँ पर है मेड ऑफ द मिस्ट, ये जिसमें हम लोग शिप में बैठेंगे और पूरा नायग्रा फॉल्स का एक राउंड लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ थे और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है धरती पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, धरती पे ही रहना, ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, तो ही मज़ा आता है। वो साइड है ना वो हमारा है, जो ब्लू देखोगे ना ये अमेरिका के साइड का है, वहाँ पर आपको रेड वाले दिखेंगे ना वो कनाडा के साइड के हैं। कैसा फील हो रहा है रेशमा? हाउ यू लाइकिंग इट? आई लव इट। हां, एंड थैंक्स टू यू फॉर मेकिंग मेमोरीज बनाने के लिए, ताकि एक दिन हम बूढ़े होंगे तो ये सब देख सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, इसीलिए आप लोगों को मेरे खूबसूरत सिनेमैटिक ड्रोन शॉट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर यहीं पर ही है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते रहते हैं तो परमिशन नहीं मिलती है। टिकट टिकट तो ऐसे यहाँ पर वो लोग प्लास्टिक के वाटर प्रूफ रेनकोट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहन लिए हैं, तो ये पहन के अंदर जाना, पर मुझे नहीं पहनना है यार, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है, इसके अंदर और गर्मी लगेगी। और रेशमा और पल्लवी प्लीज़ पहनना, ताकि सबको पता लग सके कि कैसा यहाँ पर वो लोग रेनकोट देते हैं। ये देखो यहाँ पर भाई साहब ने पहन लिया, और ये जो बोट है इस पर हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली जाना था हम लोग को ऊपर, लेकिन ऊपर ऑलरेडी फुल हो गया, तो हम लोग यहाँ नीचे से देखें, कोई बात नहीं नीचे से भी देख लेंगे। तो हम लोग ने जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहाँ पर लहरें तेज़ नहीं थी, आस्ते आस्ते जैसे हम लोग वाटरफॉल के वहाँ पर जाते हैं ना तो लहरें एकदम तेज़ होने चालू हो जाती है, देखो कितनी तेज़ होगी। और ये जो बोट है ना एकदम जोरदार हिलना स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो कम है। ठंड लगनी चालू हुई यार, मजा आ गया।
बहुत एकदम दूध जैसी रोशनी है, एकदम लाइट, एकदम दूध जैसा आ रहा है, एकदम एकदम ब्राइट है। की बोट जा रही है रेड कलर के, सब उन्होंने रेनकोट पहने हुए हैं, हम लोगों ने ब्लू कलर वाले पहने हुए हैं। हाथ दिखा रहे सब लोग एक दूसरे को, तुम भी दिखा दे हाथ। चल गया था कि इतना पावर था उसका मिस का। गिर जाता है ना, कुछ वो गिर जाता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है उन लोगों को, तो निकाल के रख रहा था और एक्सपेंसिव चीज़ें। हाँ पानी गहरा है, ऐसा नहीं है कि पानी गहरा नहीं है, पानी बहुत गहरा है यहाँ पे। पहुँच गए हम लोग। तो खास क्यों रही है? खास से सब लोग भाग जाते आजू बाजू से। सब लोग जा रहे हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा आराम से जाते हैं, सब लोग को जाने देते हैं, बाद में जाएंगे। ये है मेड ऑफ द मिस्ट जो कि वाटर फाउंटेन के वहाँ पर लेके आते हैं। एक है केव ऑफ द मिस्ट जो कि वाटर फाउंटेन के अंदर हम लोग जा सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पर जाएं, अगर टिकट मिल गया तो वहाँ पर भी चले जाएं। क्या वो जाने का केव ऑफ द मिस्ट में? हाँ जाना है केव ऑफ द मिस्ट में, जा सकते हैं। हाँ कितना टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 2 बजे, तो जा सकते हैं। तो ये जो मेड ऑन द मिस्ट है ना, ये चल रहा है 1846 से, तो हिसाब लगा लो कि कितना पुराना है। अच्छी खासी भीड़ है यार, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ यहाँ पर, ऐसा लग भी नहीं रहा है सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है भाई, जब भी आ रहे थे ना तो 6-6 फुट का था, बट अंदर आने के बाद यहाँ कौन मेंटेन करता है? कोई भी मेंटेन नहीं करता है। हाँ कितना डिस्टेंस पे चल रहे तुम लोग? ये देखो प्लीज स्टैंड हियर, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो जो प्लास्टिक का जो लिया था हमने रेनकोट, यहाँ पर रख के चले जाओ। ये रीयूज होता है कि क्या होता है? नहीं नहीं ऑफ कोर्स नहीं। हाँ फेंक देते ना, मेरा तो उधर ही पड़ा, वो लोग रीयूज कर लेंगे। हाँ वो तुम्हारा था ना, उधर ही पड़ा। हाँ हाँ मेरा था। थैंक यू। चलो भाई ये तो पूरा हो गया, होपफुली आप लोग को अच्छा लग रहा है ये मेड ऑफ द मिस्ट। यहाँ से दिखा देता हूँ कि हम लोग कहाँ पर गए थे नीचे, ये देखो। तो हम लोग इसमें गए थे, तो बोट दिख रही है आपको, इसमें गए थे वहाँ तक, वहाँ पर भी एक बोट खड़ी है दूर, आपको दिख रही है कि दिख रही नहीं पता नहीं। और ये पूरा मेड ऑफ द मिस्ट है, वो कनाडा का साइड, ये अमेरिका का साइड। तो इस व्लॉग को मैं इधर तक ही रख रहा हूँ, इसके बाद हम लोग गए थे केव ऑफ द मिस्ट में, अगर वो पार्ट भी ऐड करूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो अगला जो व्लॉग आएगा ना वो केव ऑफ द मिस्ट के बारे में रहेगा, और मैं मेक श्योर करूँगा कि डिटेल्स में आपको बताऊँ केव ऑफ द मिस्ट के बारे में। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और लव देने की कोशिश करता हूँ, बट बहुत सारे कॉमेंट्स होते हैं ना तो मैं दे नहीं पाता हूँ। तो आई एम रियली सॉरी, अगर प्लीज़ बुरा मत मानना अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या लव नहीं दे पा रहा हूँ, हार्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट फील बैड। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना इंस्पायर कर रहे हो मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरी यूट्यूब फैमिली को। आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना, साथ ही साथ वो बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, वो इम्पॉर्टेंट है ताकि जब भी मैं लाइव आता हूँ या नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप लोग मेरा वीडियो देख लोगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। नेक्स्ट व्लॉग केव ऑफ द मिस्ट के बारे में, बाय बाय।